इंतजार सिंथेसिस के पीछे ऐसा चल रही है, और सिंथेसिस इंतजार इंतजार चल रहा थे सऊदी। मैं क्या इंतजार चल रहा है जरा जमा कराया था कि की और रिजल्ट निकलता है। उस अलावा बाकी जड़ी नॉर्मल रूटीन है, ऑफिस एक्टिविटी, थोड़ी बहुत स्पोर्ट शुरू की थी, ये स्पोर्ट एक्टिविटी। जी नौकरी वाला ठीक चल रही है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह नौकरी फर्स्ट क्लास चल रही है। अच्छा, हाँ जी अपन पहला भी शायद डिस्कशन कर चुके सी दे बारे के एक सेकंड मैं बात से पहला भी डिस्कशन कर चुके सी कि भी सऊदी तो मुश्किल है, वीजा लगना वगैरह वगैरह जो भी कुछ है सारा, कि बिल्कुल 7% 8% तो ज्यादा जेडे मेच्योर कैंडिडेट्स हैं उन्हें तो उम्मीद नहीं करते अभी कि वीजा दे जो कैनेडियन एम्बेसी है इन रियाद, राइट? रियाद बिल्कुल 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 या बड़ा 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 कम औखा है एक्चुअली। मैं तो एक्चुअली तुहानू शायद पहले भी गया सी कि भी सऊदी का मेरा काफी इंटरेस्ट है, तो मैं आप चाहना सी कि भी सऊदी आके उत्थे कुछ रिसर्च की जाए इस बारे की किया जाए किस तरह देखिए भी किस तरह वीजा मिलेगा। जी सो हाँ ते इस तरह के केसेस में बहुत ही जेडे नॉर्मली मेरा पसंदीदा एक प्रोफाइल है कि भी हस्बैंड वाइफ हो ते नाल ताडे जो बच्चे हैं चार चार ताडे बच्चे हैं 6 मेंबर इकट्ठे ही अप्लाई कर रहे हैं। बड़े कंसल्टेंट लॉयर्स भी ये डर जाते हैं कि भी की करना पा छोड़ो कि इट्स अ डिफिकल्ट एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन वीजा रिफ्यूज होएगा नहीं, पहला पहला एक स्टूडेंट का कर दो फिर बाद च फिर मेंबर का कर ही जाओ। सो दैट्स व्हाट दे थिंक एंड आई हैव नॉट इन द व्यू मेरी इस तरह की कोई वो है नहीं कि भी एक करके किया जाए, अगर जो लगना है तो सारे दे लगे लगना चाहिए, नहीं है तो किस तरह ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल एन जी यही साड़ी पहले गल हो इसी के, क्योंकि मैं तुम पता है कि पहले मैं वीज़ा अप्लाई किया सी जड़ा कि रिफ्यूज़ हो गया सी, ते दैट वाज इंडिविजुअल एप्लीकेशन। ते फिर जो रिफ्यूजल तो बाद थोड़े नाल गल हुई ते तुसी रिकमेंड यही किया है कि जो जाना तो फिर फैमिली दे नाल इकट्ठा ही अप्लाई करो, तो पहले एक चला जाए बाकी फिर पीछे जड़े ने वो उड़ीकते रहन। सो जी आई लाइक योर आइडिया एंड आई लिसन टू यू एंड मूव फॉरवर्ड। जी और हाँ दूसरा जी दूसरा एक और दूसरा एक और वजह वो वजह एक और भी है कि जे अगर जाना ही इकट्ठे जाना है लोगों ने जाना ही इकट्ठे तो फिर ये झूठ बोलने की लोड़ है कि नहीं जी मैं जी नहीं जा रहा जी मेरी वाइफ जाएगी पहला जी फिर असी सोचांगे 6 महीने मगरों करांगे फलाना, दिस इज ऑल ड्रामा है झूठ मतलब झूठ है मैं समझता कि सारा ये धोखा है झूठ है। सो जो कहना है अपना सच कहना है सच दे कुछ नहीं कहना और बाकी ये मेरी फिलोसफी भी रही है कई सालों तो ते अगर भी इस तरह ही फिलोसफी रहेगी जो करना है, क्योंकि अगर जो देखो वीजा ऑफिसर का इस तरह मेरी जो अपनी पर्सनैलिटी है वीजा ऑफिसर नू मैं सीधे ही मैं चाहे तो वो सामने आ जाए चाहे तो लेटर लिख के या फैक्स लिख के ईमेल लिख के सामने उन्होंने डायरेक्टली बोल देना कि भाई असी जाना ही कनेडा है दसो तुसी क्यों मना कर रहे हो, तुसी तो आप कह रहे हो कि पक्के हो जाना स्टूडेंट ने, बिल्कुल स्टूडेंट बिल्कुल का स्टूडेंट का एक बहाना है ना कि स्टूडेंट करके फिर इवेंचुअली यू विल गेट पीआर थ्रू वर्क परमिट एंड अदर थिंग्स। सो जब देना ही है तो तुसी क्यों ड्रामा करते हो तुसी दे ही दो तुसी तुसी क्या कि भाई पैसे जमा करो पैसे जमा करते जीएसटी जमा करो जीएसटी जमा करती जी और भी मेडिकल पीसीसी सब करा ला सब कुछ क्लियर है तो व्हाई नॉट गिव द वीजा। सो दिस इज माय फिलॉसफी और बाकी चलो उन्होंने जो एक प्रोग्राम पाया है सऊदीजाइजेशन है और जो भी कुछ है जरा तुसी क्रिकेट खेलते हो ना वो गुगली सुट देंदे गुगली बॉल कितने आ रही है कितने दिस कितने आ रही है गुगली एक गुगली है सऊदीजेशन। तो ये इन्होंने एक ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन लाता कि वी विल यू नो वी आर नॉट श्योर कि भाई ये लोग सऊदी देश इनकी नौकरी चली जाएगी या वापस आएंगे नहीं आएंगे मतलब ये गए तो गए सो स्टूडेंट वीजा नु फाइल नहीं करता। सो इस करके मैं जेडी ताडी जेडी निताकत निताकत कहते हैं की कहते हैं जी निताकत हाँ निताकत बारे में निताकत जी काफी हाँ काफी रिसर्च कर रहे थे भी किदा करिए की करिए फिर मैंने उन्होंने लेटर भी लिखा है ऑफिसर ने एक स्पेशली एक लेटर भी बना के लिखा है ताकत के बारे के ताकत की इफेक्ट है तो जी नौकरी का की इफेक्ट है जी ते बाकी किस तरह है। सो कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं देखते हैं कदम बदल तुम जान में तैयार हो ये भी चली जान में तैयार हो कैनेडा। जी हाँ बिल्कुल जी तो इंशाल्लाह तो उम्मीद है। नहीं नहीं तो फिर मतलब के हूँ तो मतलब ट्रैवल एमरजेंसी चल रही है रेस्ट्रिक्शन चल रही है हूँ कैनेडा वाले कह रहे हैं कि भाई इस वेले बीमारी चल रही है तुम इस ठहर के आओ सर। बिल्कुल देखो दो चीज़ा ने अपना जाना है, लेकिन बेवकूफ़ी नहीं करनी, ठीक है, अकलमंदी नाल काम करना है, क्योंकि मेन मकसद ऐनी के उत्थे जा के ते अपना खज्जल ख्वार होना, नहीं अपना
आई एम मेच्योर, मेरी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यही है कि अगर मेरी यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर ऑनलाइन कट देती है तो इट विल बी गुड फॉर मी, क्योंकि ओ जान तक जड़े ने हालात जड़े ने स्टेबल हो जाते, वैक्सीनेशन जी है ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों को जोड़ा ना वो लग जाएगी, लॉकडाउन होने के जड़े ने चांसिज वो घट ही आते, सो आई वुड प्रैफर टू अटेंड फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन, उस तो बाद देखा था जे अगर वीज़ा लग गया, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द वीज़ा, लेट्स अस्यूम कि वीज़ा लग गया और यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर ऑनलाइन करवा रही है, देन आई विल कंप्लीट माय फर्स्ट सेमेस्टर और फिर सेकंड सेमेस्टर ली, अगर हालात स्टेबल हुए देन डेफिनेटली आई विल मूव फॉरवर्ड, अगर नहीं यूनिवर्सिटी फेल करवा रही है देन आई विल टेक अनदर मे बी कपल हाफ सेमेस्टर या फुल सेमेस्टर, उस तो बाद फिर मैं जरा ना जावाना, लेकिन उम्मीद है बाय द एंड ऑफ 2021 थिंग्स विल गेट स्टेबल, COVID-19 विल गेट अंडर कंट्रोल, क्योंकि मैं कल ही देख रहा सी कि कैनेडा च दोबारा तो जरा ना सैकेंड वेव काफ़ी स्प्रेड हो रही है, जिस दी वजह नाल गवर्नमेंट ने भी जरा न्यू प्लान रिलीज़ किया है जरा कि टोरंटो कैलगरी तो एक मैं मॉन्ट्रियल तीन एयरपोर्ट तो जरा ना इंटरनेशनल पैसेंजर जड़े ने लैंड हो सकते हैं तो 14 डेज लिए क्वारंटाइन है, लेकिन ईवन आफ्टर 14 डेज क्वारंटाइन देर इज़ नो गरंटी दैट यू विल बी सेफ और यू आर यू नो मैनेज योर नॉर्मल लाइफ, तो इतने देखो ना जॉब है, जॉब की टेंशन नहीं, everything is stable, so why should I kick and take a very high risk where nobody knows what is going to happen tomorrow. जी 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 चलो कोशिश जारी है, इंशाल्लाह कोई ना कोई तुहानू अपने मुताबिक तुहानू दा नतीजा मिलेगा, सो करदे आ तुहाडी कोशिश, मेरा मेरा हमेशा ये रहा कि भी ईमानदारी नाल कीती जाए कुछ ना कुछ, मतलब कि टिपिकली पीपल आस्क मी व्हाई डू आई चार्ज सो मच मनी एंड से यू नो लाइक आई हैव टू कीप अप्लाइंग मेनी टाइम्स, जो भी कुछ होएगा सो आई जस्ट कीप अ क्लाइंट इन लूप कि कर की रहे हैं कुछ कर रहे हैं, ऑनेस्टली कोई कोई सीकरेट नहीं रखा मैं इस चीज़ है, सो चलो कोई नहीं जब भी वीज़ा लगेगा तो मैं दसागे, तो बाकी तो चलो एक तुम शो कर देंगे कुछ मैसेज आया है उतो, देखो जरा एक स्क्रीन तो नज़र आ रहा कुछ, नहीं ब्लैक स्क्रीन आ रही है, खुद भी ट्राई कर रही है, वाह जी वाह वेरी गुड सर जी, आई डोंट हैव अ वर्ड्स आई एम स्पीचलेस, ओके जी थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट यू, देखो एक चीज मैं सुन रहे हो तुसी, हाँ जी एक चीज़ मैं जी थानू पहले भी कही सी, मैं अज दोबारा मैं वापस रिपीट कर रहा वा कि द डिफरेंस बिटवीन नॉलेजेबल परसन हु नोज अबाउट दिस ऑल प्रोसेस पेइंग हिम समथिंग इट इज़ रियली वर्थफुल, मैं थानू तुसी जे थानू याद होएगा तुसी मैंने कहा सी कि पैसे देने, मैं थानू कहा सी बिल्कुल पैसे है ने, तुसी मैंने कहा नहीं पहले तुसी आपी अप्लाई कर लो, फिर मैं जरा वे अपना रिफ्यूज़ हो गया तो फिर जरा वे तुसी मैंने दसिया जे फिर मैं जरा वे करांगा, नो डाउट तुसी सैकेंड टाइम ही मैंने कहा कि तुसी आपी जरा ना अप्लाई कर लो, इवन आई कुड डू दैट, आई मीन यू वॉज रेडी टू हेल्प मी, लेकिन आई नो कि मैं ऑलमोस्ट बड़ी दुनिया में ट्रैवल की है, US, Schengen, लॉट ऑफ वीजे जो मैं अपनी सेल्फ जो ऑबटेन किए देने मल्टी एंट्री लॉन्ग टर्म, लेकिन दिस वीज़ा इट्स रियली ट्रिकी, क्योंकि मनु एक्सपीरियंस नहीं है केस ऑफिसर जरा वे वीज़ा ऑफिसर किस प्रोस्पेक्ट व्यू के नाल जो ना मेरी एप्लीकेशन देख रहा है, जिमें कि फस्ट एप्लीकेशन मैं लाई मैं तो यानी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि जो तो पैदा होया सी अज तक जो मैं किया सब कुछ मैं ला दिता, मे बी इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड बट आई डोंट हैव दिस एक्सपीरियंस, शोएब साहब मैं बड़े तो यकीन करो मैं मैं हमेशा यही कहते मैं तुम की कहता सी तुम याद मैं तुम क्या सी आई एम 100% श्योर दैट यू विल बी एबल टू सक्सीड मी, और मैं तुम्हें कहा कि नो मैटर अगर 10 दफ़ा भी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ होएगा आई विल स्टिल गो फॉर यू अंटिल यू टेल मी
okay, you are done with Saudi. I sure. know your interest was not in money, your interest was only in the research. Sure, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨੂੰ, ਦਾਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਆਈ ਫੋਰਗਟ ਦਿਸ ਨੇਮ, ਰਿਆਨ, ਦਾਨੀਆ, ਰਿਆਨ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ, ਹਨਾਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਈ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਚੱਲੀ ਫਟਾਫਟ ਦਿਖਾਓ, ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਦਾ। कौन आया बेटा? वो एक अंकल है, उन्होंने आपसे बात करनी है। आप, उन्होंने आपसे पूछना है कि आपने कहीं और सिटी में जाके रहना। चलो बैठो, आ जाओ। कम कम ना, डोंट शाय बेटा। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਰਦੂ ਬੋਲੀਏ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼? ਨਾਮ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਟਾ? ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਬੇਟਾ। ਰਿਆਨ। ਰਿਆਨ, ਰਿਆਨ, ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ? ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪ? ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ? ਜੀ। ਆਪਕੇ ਔਰ ਆਪਕੇ ਅੱਬਾ ਕੇ ਔਰ ਆਪਕੇ ਮਦਰ ਕੇ ਸਭ ਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੈ। ਚਾਰ ਚਾਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹੋ ਨਾ? ਚਾਰ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਚਾਰ ਬ੍ਰਦਰਸ ਸਿਸਟਰ, ਚਾਰੋ ਕਿੰਨੇ? And how many sisters? Two. So total? Total four. So total, total four, four aap aur aapke mother father. Aajo, aajo, sit, 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 sit. Aajo na beta, aajo. Aajo, aajo, sab dekho. Aapke thoda camera niche karo, thoda se shakal inki chup, shakal tak thak gayi. Haan, bas ab theek hai, ab theek. Ah, ha, ye to ek chautha. ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ। ਐਸੇ ਆਪ ਐਸਾ ਕਰੋ ਨਾ, ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਆਪ ਉਠੋ, ਆਪ ਨੀਚੇ ਆਓ। ਕਹਾਂ ਯਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਆ ਜਾਏ ਸਾਹਮਣੇ, ਆਏ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਕੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਏ ਆਪ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਾਰੇ ਕੋ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ। ਔਰ ਆਪ, ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਧਾਈ ਹੋ। ਆਪਕੇ ਬੱਚੋਂ ਕੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਐਸੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ, ਐਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਲਗਾਏ, ਐਸੇ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਜਾਦੂ ਕੀਆ ਉਸਮੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਆਪ ਲੋਕ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਭ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦੀਏ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਪਰੂਵਲ ਇਨਕੋ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ, ਔਰ ਉਸਕੋ ਹਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਤੋ ਆਪ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਮੇਂ ਜਬ ਵੀ ਹੈ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਵੀਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨੋਂ ਮੇਂ, ਹਫਤੇ ਮੇਂ, ਜੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਉਨਕਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੋਗਾ ਆਪ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਕੋ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਏਂਗੇ। ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਤੋ ਆਪਕੋ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੂਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਓ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਰ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕੁਛ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕਰੇ, ਆਪ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ। ਜੀ,
और ये मैं इसलिए कहता हूँ कि सऊदी पे मेरी नज़र बहुत बहुत दिनों से थी, और मेरे को पता है यहाँ पर जैसे आप जैसे प्रोफेशनल्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसके बारे में मैंने और भी लॉयर से और आपसे भी पहले बात करी है कि मेरे को ऐसे ऐसे केस में, केसेस तो मेरे पास हज़ारों बहुत आते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा केस चाहिए था जिसमें हस्बैंड वाइफ और बच्चे सारे इकट्ठे का वीज़ा लगना चाहिए था। मतलब कि बाकी कंसल्टेंट्स इससे गुरेज करते हैं कि भाई हम नहीं करेंगे या रिस्क हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मेरे अंदर में एक ऐसे एक दिल से एक वो था कि अगर करना है तो सबका करना है, नहीं तो किसी का नहीं करना। और अगर मेरा बस चलता तो मैं, मेरे मन में ये था कि मैं सऊदी खुद आकर फ्लाई करके आपको आपके घर पे आपके दरवाजे पे दस्तक दे के आपको वीज़ा हाथ से दूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू वेलकम इन कनाडा, वो अभी मुमकिन नहीं है तो इतना ही काफ़ी है। आप लोग आपको नींद थोड़ी अब नींद अब नहीं आएगी जब तक कनाडा की विस्तार नहीं चलेगी। नहीं, मुझे यही था कि इनको 2-3 बज जाएंगे, यूजुअली आपसे जब बात होती है तो यहाँ के टाइम में और उधर में थोड़ा सा फर्क है, तो इनको 2-3 बज जाते हैं। मैं जाग रही थी तो मेरे दिल में आया था कि मैं पूछूं मैसेज करके कि कोई अपडेट आई है, तो साथ ही आ गए कि जी जी जी। और आपके मियाँ को मिला है स्टडी वीज़ा और आपको मिला है वर्क परमिट, जो वर्क परमिट जो किस्मत से लोगों को मिलता है। आजकल की दुनिया में वर्क परमिट के लिए लोग मारे मारे घूम रहे हैं, कोई कह रहा है जी 25 लाख दे दो, कोई कह रहा 50 लाख दे दो। वर्क परमिट की इतनी वैल्यू है, और जो आपको ऊपर वाले ने बैठे बैठे आपकी झोली में डाल दिया, और आपके चारों बच्चे जो हैं उनको स्टडी वीज़ा है, वो कनाडा के स्कूल में पढ़ेंगे, इसकी कोई फीस नहीं लगने वाली, और इंशाल्लाह ये आगे चल के सिटीजन बनेंगे कनाडा के, और उनका मुस्तकबिल उनका सेट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, मेरे को बड़ी खुशी है। और ये आपके फादर ने ये केस दिया, ऊपर वाले की एक वो है एक मर्जी है कि बाकी केस किसी और को भी दे सकते हैं, इन्होंने मेरे को केस दिया। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि इन्होंने मेरे को एक मौका दिया उसको करने के लिए, और संजोग और किस्मत की बात है कि वीज़ा आपके सामने है। और इससे और भी कपल्स हैं मेरे पास, और भी आप जैसे फैमिलीज हैं सऊदी की, और आपके साथ कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी, एक तो और है वो भी है, और उसके अलावा भी और है, तो 3 एप्लीकेशन और हैं। तो अब मेरे को ये पता लग गया है कि बीमारी की जड़ का जो वो जो नबज कहाँ है, नबज में बीमारी वो है क्या, वो पता लग गई है अब इस पे। अब ऐसे अप्रूवल हो जाएंगे सारे, हमारा केस हो गया, बाकी भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जिसको जहाँ जाना है, जहाँ दाने आपके खिलरे पड़े हैं वहाँ पर उनको आप जाके आपको चुकना ही है। और बाकी ये बच्चों की किस्मत है, और बच्चे आप कनाडा आएंगे, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर देम। और मैं आपका सारा सारों को एक तहे दिल से आपको थैंक यू कहता हूँ, और आपको गुड न्यूज़ में देनी थी, और इसलिए मेरे को उठाना पड़ा कि आपको दिखाए शक्ल दिखाएं आप मेरा। we all on behalf of all family, I thank you very much. I really appreciate your support. Thank you very much. Thank you. अब आप अगर आपको नींद आ जाए तब सो जाए, आप फिर कल बात होती है। चलें जी। चलें। मैंने अभी बात करनी है आपसे। जी जी जी। हम दोबारा कॉल करते हैं। Okay. Bye bye.